財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。カイドウ。कई साल से एनिमे की लाइव एक्शन बनती आ रही है, लेकिन ड्रैगन बॉल से लेकर डेथ नोट तक सभी एनिमे की लाइव एक्शन अब तक फेल होती आ रही है। कैमरन फिलोसोफ मार्शल मैकलुहान ने एक बार कहा था, कोई भी फॉर्म ऑफ मीडियम खुद में एक मैसेज होता है, पर ये एनिमे की लाइव एक्शन से कैसे रिलेट करता है और आखिर क्यों ये लाइव एक्शन ज्यादातर फैंस को इम्प्रेस करने में फेल हो रहे हैं। एनिमे एक यूनिक विजुअल स्टोरी टेलिंग मीडियम है जिसमें इनकॉर्पोरेटिंग कलर्स कैरेक्टर डेवलपमेंट की मदद से एक पावरफुल मैसेज दिया जाता है, पर जब कोई भी एनिमे लाइव एक्शन में बदल जाता है तो उसमें कुछ खो जाता है। एनिमे इज मोर देन जस्ट अ जॉनर, ये कल्चर मीडियम और एक्सप्रेशन है जिसमें कई सारे हिडन मैसेज, मोरालिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस की लेयर्स इसमें मौजूद है। एनिमे की दुनिया में इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है और हमारे इमेजिनेशन की लिमिट को ब्रेक किया जाता है, लेकिन यही सेम चीज लाइव एक्शन हमें दिखाने में फेल हो जाता है। लाइव एक्शन में ये लोग होते हैं, इसलिए लाइव एक्शन एनिमे की फैंटेसी और लार्जर देन लाइफ वाले एलिमेंट्स को दिखाने में लाइव एक्शन को स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी एनिमे इंगेजिंग होता है। जब मांगा से एनिमे में अडेप्टेशन होती है, तब ये एनिमे मीडियम मांगा की ओरिजिनल मैसेज को एनहांस करता है, उसमें कलर्स डालता है, कैरेक्टर्स को मूव करता है और उसमें इंसानों की तरह वॉइस को डाला जाता है, और इसके म्यूजिक की मदद से मांगा के पेजेस में स्टोरी और कैरेक्टर्स को एनिमे जिंदा करने का काम करता है, और वॉइस एक्टर्स की मदद से ही हमें किसी भी मांगा कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी हमें दिख पाती है, जिसके लिए जापान के वॉइस एक्टर्स को इतना स्किल कह सकते हैं कि आज किसी मूवी के एक्टर्स से ज्यादा बेहतर एक्टर की रियल फीलिंग वॉइस एक्टर अपने वॉइस से हमें दिखाते हैं। एनिमे कभी कभी मांगा से अलग भी हो जाता है, क्योंकि मांगा में स्टोरी बस विजुअली ही होती है, पर एनिमे में कैरेक्टर्स हमारी तरह मूव करता है, उनका भी अपना वर्ल्ड है, उनका भी कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी है, जिसकी वजह से एनिमे की स्टोरी में कई लेयर्स या सीन्स और इवेंट्स को दिखाना पड़ता है। तो हम एनिमे और मांगा को कह सकते हैं ये दोनों ही एक सेपरेट एडेप्टेशन है, पर रिलेटेड मीडियम के साथ, जिसमें दोनों अपना एक यूनिक मैसेज डिलीवर करते हैं, पर जब कभी बात आती है लाइव एक्शन की तो ये फोकस करता है उस मैसेज पर जो मांगा या एनिमे में पहले से ही मौजूद है, तो इसलिए कभी भी अपना एक यूनिक मैसेज देने में फेल हो जाता है, जिसकी वजह से हम किसी लाइव एक्शन को पसंद करते हैं। कुछ आरोप करते हैं कि सुपर हीरो मूवीज तो सक्सेसफुल अडेप्ट हो गई, तो ऐसा एनिमे सीरीज के साथ क्यों नहीं हो सकता। वो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, ये सुपर हीरो मूवीज और एनिमे की लाइव एक्शन में बस एक डिफरेंस है, ये सुपर हीरो मूवीज अपना मैसेज प्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से सुपर हीरो मूवीज का फैन बेस आज एक अलग लेवल पर है। अब लाइव एक्शन का मैसेज का मेरा मतलब है खुद की एक अलग आइडेंटिटी से, तुम लोग इसका मतलब आयरन मैन से समझ सकते हो। आयरन मैन आखिर क्यों फेमस है, उसके जो सुपर पावर्स कॉमिक में दिखाई गई है रॉबर्ट डाउनी जूनियर से। अगर एवेंजर्स में आयरन मैन का रोल कोई और करे तो आयरन मैन नहीं कहलाया गया, रॉबर्ट एक स्टाइल, उसका अंदाज, उसका स्वैग, उसकी एक्टिंग से बनता है आयरन मैन। स्पाइडरमैन, सुपरमैन कितने आए और कितने गए, लेकिन आयरन मैन एक ही रहेगा। अब ऐसे जरूरी भी नहीं है कि कॉमिक के सुपर हीरो लाइव एक्शन से ही पॉपुलर हो, कई कैरेक्टर एमसीयू में ऐसे भी हैं जिनकी इज्जत आज इतनी नहीं जितनी पहले उसके एनिमे कॉमिक में थी, जैसे कि स्पाइडरमैन। कितने गए, कितने आए, लेकिन जिस स्पाइडरमैन को हम देख के बड़े हुए वो आज तक हमें लाइव एक्शन में देखने को नहीं मिला। स्पाइडरमैन और डेडपूल की यादें हमें कई बार एनिमे कॉमिक में देखने को मिली है, लेकिन लाइव एक्शन में स्पाइडरमैन कहाँ है और आज डेडपूल कहाँ। मुझे बस एमसीयू से एक खुन्नस है, जब स्पाइडरमैन तुम इतना बढ़िया नहीं दिखा सकते तो रहने देते बस उसे। एनिमे या मांगा की दुनिया में हमारा स्पाइडरमैन वो था जो अपनी बस एक गलती की वजह से रोज अपनी जान दांव पे लगा के दूसरों को बचाता है। स्पाइडरमैन वो था जो कभी भी किसी के साथ लड़ने को मना करता था ताकि उसकी वजह से उसे चोट ना पहुंचे, जिसमें से मेरा फेवरेट है 1994 में आया स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज, जिसको हम सभी ने टेलीकास्ट पे देखा है। और दूसरा मेरा फेवरेट है अल्टीमेट स्पाइडरमैन, तो यानी जब कभी भी किसी लाइव एक्शन में सुपर हीरो उस कैरेक्टर से जाना जाए तब उसे कहा जाएगा असली लाइव एक्शन। हम सभी ऐसे दरवाजे के पीछे खड़े हैं जिसके पार वो लोग रहते हैं जो लोग आज भी एनिमे को कार्टून समझने का भ्रम रखते हैं। ओडा भी यही चाहता है कि लोग वन पीस को जाने, इसलिए ओडा बनने से पहले खुद वन पीस की लाइव एक्शन पे ध्यान दे रहा है ताकि और लोग भी जाने वन पीस को ना देख के वो लोग क्या मिस कर रहे हैं। हो सकता है एक दिन एनिमे की लाइव एक्शन को अपना एक यूनिक मैसेज मिल जाए और उसका वो इम्पैक्ट हो जो हम आज तक चाहते हैं। पर अभी के लिए लाइव एक्शन एनिमे की परछाई रहेगी और फेल होती जाए, पर लाइव एक्शन की ऐसी हिस्ट्री के बावजूद हम सब वन पीस लाइव एक्शन का वेट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये लाइव एक्शन एक एक्सेप्शन निकले और अपना एक अलग रास्ता बने। बस इस चीज से वन पीस लाइव एक्शन हार्ड फैंस और नए फैंस का दिल जी सकती है।